प्रशांत भूषण के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। 25 अगस्त को प्रशांत भूषण की सजा पर कोर्ट ने अपना फैसला रख लिया था सुरक्षित। भूषण ने किया माफी मांगने से इनकार। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने झोंकी ताकत। ग्वालियर, चंबल पर बीजेपी और कांग्रेस का खासा फोकस। आज दोनों दलों के नेता करेंगे प्रचार। बीजेपी की तरफ से सिंधिया के करीबी भरेंगे हुंकार। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। आज होगी उत्तराखंड प्रदेश कार्य समिति की बैठक। डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे पार्टी के कई बड़े नेता। पार्टी को मजबूत बनाने पर होगी चर्चा। स्कूलों की मनमानी फीस को लेकर फूटा अभिभावकों का गुस्सा। नो स्कूल नो फीस की मांग को लेकर संयुक्त अभिभावक समिति ने किया आज राजस्थान बंद का आह्वान। कहा नहीं चलने देंगे स्कूलों की मनमानी। गृह मंत्रालय ने मेट्रो चलाने के लिए दिखाई हरी झंडी। एसओपी को लेकर आज होगी बैठक। मेट्रो रेल निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों के बीच होगी मीटिंग। 7 सितंबर से चलाई जाएगी मेट्रो। सुशांत केस में गोवा के होटल कारोबारी तलब। आज ईडी के सामने होंगे पेश। मुंबई के वलार एस्टेट इलाके में ईडी के दफ्तर में दाखिल करेंगे अपना जवाब। रिया से भी सीबीआई कर चुकी है 3 बार पूछताछ। बाबरी केस को लेकर सीबीआई कोर्ट में सुनवाई आज। बचाव पक्ष के पास आज लिखित दलीलें पेश करने का दिया अंतिम मौका। वकीलों ने अपनी लिखित दलीलें नहीं की हैं पेश। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अदालत की अवमानना मामले में दायर की है पुनर्विचार याचिका। 27 अगस्त को न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने मामले में फैसला रखा था सुरक्षित। आज खत्म होने वाली है लोन मॉरेटोरियम की अवधि। ईएमआई चुकाने वाले ग्राहकों की जेब पर पड़ेगा गहरा असर। खत्म हो जाएगी ईएमआई पर छूट। आने वाले दिनों में गोल्ड लोन की मांग बढ़ने की उम्मीद। आज से होगा यूएस ओपन का आगाज। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को मिली शीर्ष वरीयता। महिला वर्ग में कैरोलिना प्लिस्कोवा आगे।